हेलो मैम, ये लीजिए आपका लहंगा। थैंक यू। अंदर आओ ना। आ जाओ, आओ ना प्लीज। बड़ा ही भारी लहंगा है मैम आपका, पूरी चार दुकानें लगी इसके अल्ट्रेशन के लिए। इसीलिए तो इतने टाइम से लटका हुआ था। एंड आई एम रियली सॉरी, तुम्हें ये सारा काम करना पड़ा। इट्स ओके मैम, इट्स टोटली फाइन मैम। अगर मैं आपके कुछ और भी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। तुम मुझे मैम बनाना मन करोगे? इतने फॉर्मल क्यों मेरे साथ? यू कैन कॉल मी शिवानी, इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं। मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ मैम? क्यों, तो मेरा नाम क्यों नहीं बोल सकते? आप मेरे बॉस की वाइफ है मैम। तो इसका मतलब आप भी मेरी बॉस हुई। यू हैव अ पॉइंट। ओके ओके मैम, आई हैव टू लीव। अरे क्यों, बैठो ना, ऐसे कैसे? ऑफिस लेट हो जाऊंगा तो। मैं कॉफी बना रही हूँ अपने लिए, तुम चाय या कॉफी कुछ पियोगे? उसकी कोई जरूरत नहीं, इट्स ओके। हर चीज जरूरत के अकॉर्डिंग करते हो, कभी कभी मन की भी सुन लेनी चाहिए। एंड मुझे भी तो फेवर लौटाना है। बाय द वे, बरेली में मुझसे ज्यादा फेमस मेरी कॉफी थी, सो आई डोंट थिंक सो यू वुड वांट टू मिस इट। आई एम श्योर नॉट, बट मैंने आपसे कोई फेवर नहीं किया, इट्स ओके। स्टॉप कॉलिंग मी मैम, बैठो, शिवानी बोलने की प्रैक्टिस करो थोड़ी देर। सॉरी, इधर मैं कॉफी लेके आती हूं। हैव अ सीट। ओके। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे काफी इंप्रेस रहती होगी, जैसे तुमने मुझे किया। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं एक्चुअली, एंड ये सब मैं कुछ इंप्रेस करने के लिए नहीं करता। जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उनके लिए काम करना मुझे और भी अच्छा लगता है एक्चुअली। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। बताओ क्या पसंद है तुम्हें मेरे बारे में? बताओ मुझमें क्या अच्छा लगता है? मतलब सब कुछ, आपकी स्माइल, आपका इतना केयरिंग होना मेरे लिए, एंड ऑफ कोर्स आपकी बरेली वाली कॉफी भी। सॉरी, मतलब जो आपने पूछा था मैंने इसलिए बता दिया। आप प्लीज सर को मत बताना, वो नाराज होंगे। सर क्यों नाराज होंगे, उनकी वाइफ की तारीफ हो रही, उन्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा डोंट वरी, हमारे बीच की बात हमारे बीच में ही रहेगी। ओके चलिया। ओके शिवी, आई एम सॉरी यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कम से कम फोन तो उठा लेते यार। वो क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन में था, फोन साइलेंट पे था, मैं फोन ऑन करना ही भूल गया यार। शिवी सुनो ना, देखो आज फिल्म देखने नहीं जा पाए तो क्या हुआ, आज हम ना किसी अच्छे से OTT पे बिंज वॉच करते हैं, क्या बोलती हो? फुल ऑन AC में, एक कंबल के नीचे, हाथों में हाथ डाले, टूटते सुकुड़ते रोमांस करते हुए सारी रात थ्रिलर वाली वेब सीरीज देखेंगे। ये पिक्चर विक्चर है तो सब ओल्ड फैशन होती है, बिंज वॉच इज द इन थिंग बेबी, एंड मोर रोमांटिक एंड मोर इंटीमेट। क्या बोलते? नहीं करना मुझे बिंज बिंज वॉच तुम्हारे साथ, सब समझ रही हूँ मैं बिंज वॉच के चक्कर में क्या करना चाहते हो तुम। ना गुस्से में ना एकदम मोहल्ले की बेब लगती हो। ज्यादा बटरिंग मत करो, मैं सच्ची में मोहल्ले की बेब बन गई ना, ये सारी स्मार्टनेस तुम्हारी खत्म हो जाएगी। हाय तुम्हारी ये क्यूटनेस एक दिन मेरा कत्ल करा के छोड़ेगी।
कत्ल अपना बाद में करवाना, जाओ जाके फ्रेशन अप हो जाओ, मैं ड्रिंक्स और स्नैक्स तैयार करती हूँ हमारे बिंज वॉच के लिए। रियली यू आर द बेस्ट। बस यू गया और यू आया, हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं, चलाक लोग। अब बिंज वॉच भी अकेले करो, ये जालिम रात अब कैसे कटेगी? हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ और ये कोट भी ले लो। ओके सर। थैंक यू। जूस पी के जाओ। नो मैम थैंक यू, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ये। तुम्हारी मैडम ने इतने प्यार से मनाया तो पी लो। इसे वहां रख दो। नो मैम इट्स ओके। अरे अरे आराम से, इतनी हड़बड़ी किस चीज की है? वो मीटिंग के लिए लेट हो रहा था एक्चुअली। ओके मैम गुड डे। गुड डे। थैंक यू बाय। टेक केयर। यू टू। इतना सार्कास्टिक होने की ना जरूरत नहीं थी। तुम इसे कुछ ज्यादा मुंह नहीं लगा रही हो? और तुम उसे कुछ ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो? रोज रोज अपना काम बोलना यार, वो आईटी प्रोफेशनल है। अरे यार आईटी प्रोफेशनल है तो क्या हुआ, इज माय एम्प्लॉय, नौकर है वो मेरा, सैलरी देता हूँ उसे मैं हर महीने, और इसमें अच्छी बुरी की क्या बात है? चलो मैं मान लिया कि तुम सैलरी देते हो, पर उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के लिए देते हो ना, पर्सनल काम के लिए तो नहीं देते। कभी गाड़ी धुलवाना, कभी मार्केट भेजना यार, कभी कुछ तो कभी कुछ, दिस इज नॉट डन। अच्छा बाबा एटलीस्ट आज के दिन तो तुमसे बहस नहीं करता। क्यों, आज के दिन में क्या है? क्योंकि आज के दिन मेरी मिस यूनिवर्स का जन्म हुआ था। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे माय लव। तुम्हें याद था? देखा, और तुम मुझे एक्यूज करती हो कि तुम्हारी लोमड़ी को कुछ भी याद नहीं रहता। चलाक लोमड़ी। चलाक लोमड़ी। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सुन, आज रात को मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है, तो तैयार रहना। हेलो शिवानी। हाय। हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। और कैसे आना हुआ आज? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सर ने भेजा है। सर ने तुम्हें बोला ये लेके आने के लिए? जी। आई एम सो सॉरी, प्लीज बैठो ना। थैंक यू सो मच। बाय द वे बहुत ही अच्छी ड्रेस है, आप और भी सुंदर लगेंगी इसमें। तुम्हें कैसे पता इसमें ड्रेस है और मैं अच्छी लगूंगी? क्योंकि ड्रेस मैंने सिलेक्ट की है, दैट्स व्हाई। तुमने? वो एक्चुअली सर थोड़ा सा बिजी हो गए थे, तो उन्होंने बोला आपके लिए कोई सुंदर सा गिफ्ट खरीद लूं, तो मुझे ये ड्रेस दिखी तो मैंने ले ली। आप सच में बहुत अच्छी लगेंगी इसमें, आई विजुलाइज यू इन इट। तुम इस कंक्लूजन पे कैसे आए कि मैं इसमें सुंदर लगूंगी? क्योंकि मेरी चॉइसेस कभी खराब नहीं होती, आई नो दैट। आप खुश नहीं है मैं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ना ये ड्रेस अभी ट्राई करके आती हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि जैसे तुमने मुझे विजुअलाइज किया था मैं वैसी लग भी रही हूँ या नहीं। ओके। ठीक है। ओके। संजू, आई विल नेवर फॉरगिव यू। ये सरप्राइज दिया तुमने, आई
मैं कैसी लग रही हूँ? जैसे मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। सीरियसली? माँ कसम। शिवानी मैं अपने फोन से तुम्हारी कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँ क्या? यार नो, मैं फोटोज में बहुत मोटी लगती हूँ। आग लग रही हो माँ कसम, एक बार आओ ना प्लीज। बहुत अच्छी लग रही हो माँ कसम, बहुत अच्छी लग रही हो। वाओ, एक सेकंड, एक पोज दीजिए ना। ऐसे वाओ दिखाओ। पटाका लग रही हो, पटाका। कभी माल लग रही हो, कभी पटाका लग रही हो। अरे आओ ना एक बार करो ना, एक पोज दो ना प्लीज। अच्छा दो, कम ऑन। ऐसे परफेक्ट। चेंज चेंज आग लग रही है। एक भी अपनी कैंडिडेट भी दूंगी। क्यों एक्सप्रेशन? या नाइस पॉप, यू आर ब्यूटीफुल। अब बस कितनी पिक्चर्स, तुम्हारे फोन की मेमोरी भी फुल हो गई हो। ये सारी पिक्चर्स मुझे भेज देना। जी मैम। और अपने फोन से डिलीट कर देना अभी। क्यों? ऑब्वियसली अनिल। सारी। शिवानी एक तो रखने दो कम से कम। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे किससे पाला पड़ा था। दो रख। थैंक यू शिवानी। तुम बहुत क्यूट हो। पता है बहुत टाइम बाद मेरा कोई ऐसा दोस्त है जो एकदम मेरे जैसा है। तो चलो तो फिर इसी बात पे सेल्फी बनती है। मैं देखना चाहता हूँ एक हूर के साथ लंगूर कैसा लगता है। शट अप, तुम भी बहुत स्मार्ट हो। हाँ थिंक सो। एज इफ यू डोंट नो। भोले मत बनो, तुम बस मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनवाना चाहते हो। मैं समझा नहीं है। ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, सेल्फी लो। तुम्हें सच में लगता है मैं तारीफ के काबिल हूँ? सेल्फी। अब खींचो। Shivi, I'm sorry, yaar. Honey, I'm extremely sorry. तुम believe नहीं करोगी आज कितना कुछ unexpected हुआ है मेरे साथ। It's okay, संजू, अब मुझे आदत हो गई है। कितना sorry बोलोगे? और कब तक? Let it be. Shivi यार, वो client का अचानक से call आ गया था। उन्हें प्रोजेक्ट पे कुछ स्पेशल फीचर्स डिस्कस कर रहे थे, मैं मना नहीं कर पाया यार। एंड यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रोजेक्ट फॉर मी यार। रहने दो संजू, मुझे पता है हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रोजेक्ट इज फॉर यू। टेक इट इजी। अच्छा तुम्हें अनिल ने कोई पार्सल लाके दिया क्या? हाँ लाके दिया। डिड यू सी इट? Yeah, I saw it. Did you like it? Shivi, अब पहनना तुम्हें है ना? तुम बताओ ना, तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं लगा? मैं वही ड्रेस पहन के बैठी हूँ जो तुमने मेरे लिए खरीदी थी, और राधा आई वुड से खरीदवाई थी अपने जूनियर एम्प्लॉय से। हाउ इनसेंसिटिव संजू, तुम ये कर भी कैसे सकते हो? ये हमारा एक पर्सनल मोमेंट था यार, मेरा बर्थडे। पता है जब अनिल ड्रेस लेके आया, हाउ एम्बैरेस्ड आई वाज, हाउ हर्ट आई एम। वो अपनी चॉइस की ड्रेस ला रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है वो गिफ्ट क्या है।
संजू, अगर तुम कुछ ना देते ना, मेरे को इतना बुरा नहीं लगता, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. एक एम्प्लॉय की चॉइस की है. इट वॉज नॉट इवन योर ब्लडी चॉइस. ओ गेट अ साइड ऑन संजू. हाउ इज दिस ड्रेस लुकिंग? बताओ संजू, ये ड्रेस कैसी लग रही है? बोलो संजू, हाउ इज माई ड्रेस लुकिंग? हाउ इज योर गिफ्ट लुकिंग? शिवी यार, आई एम सॉरी यार, तुम्हें तो पता है ना कि आज का दिन तुमसे भी ज्यादा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. आज ही के दिन तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था. तुम्हें तो पता है मेरी भूलने की आदत को, और तुम जानती हो कि जब मैं काम में बिजी हो जाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना हो. और मुझे डर था कि मैं कहीं आज का दिन भी ना भूल जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि कोई रिस्क ही नहीं लेते, इसलिए मैंने अनिल को भेज दिया वो ड्रेस लेने के लिए. पर वो दैट इडियट, उसने वो गिफ्ट मुझे देने के बजाय तुम्हें दे दिया. दैट्स नॉट द पॉइंट संजू. हमारे इतने पर्सनल मैटर के लिए तुम अपने एम्प्लॉय को कैसे भेज सकते हो यार, और अब समझने को भी तैयार नहीं हो. यार गलती हो गई यार शिवी. गलती हो गई संजू से, गलती हो गई. संजू फिर गलती करेगा मैं फिर माफ कर दूंगी. संजू फिर गलती करेगा मैं फिर माफ कर दूंगी. यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड संजू. और पता है क्या, हमारी शादी में यही हो रहा है, तो होने देते हैं ना. लेट इट बी. एनीवे संजू, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोना है, और तुम जा सकते हो डिनर के लिए. प्लीज शिवी, छोड़ो ना यार, आओ ना सेलिब्रेट करते. मुझे ना तुम्हारा खुराफाती दिमाग जानना है, मतलब मैं और किन चीजों में अच्छी लगूंगी. अनिल कभी कभी तो मुझे लगता है संजू से ज्यादा तुम मुझे समझते हो. मेरे बॉस के बारे में ऐसा बोलो शिवानी, सच में आप कुछ चाहते हैं? तुम्हारे बॉस को डिफेंड मत करो. तुम्हारे बॉस की भी ना बॉस हूँ मैं, सो इनडायरेक्टली मैं तुम्हारी भी बॉस हूँ. इनडायरेक्टली क्यों, डायरेक्टली आप मेरी बॉस हैं. आप मेरे बॉस की बॉस हैं, तो मेरी तो मतलब सुपर बॉस हुई. एक सेल्फी लेते हैं. नहीं, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए. अरे आप वैसे भी माल लग रही हो. मतलब कमाल लग रही हो. कमाल माल लग रही हो, कमाल लग रही हो, डिसाइड करो. आप कमाल की माल लग रही हो. यार मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, प्लीज. अरे मैडम लिपस्टिक क्या जरूरत है आपको, नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी. तुम इतने नॉटी हो. सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, उनको अपने मन की करनी होती है. सेल्फी ले. पता है मेरी लाइफ बहुत सैड थी, पर तुमने इसके तड़का लगा दिया. वाओ. आपको हंसते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेक्स मी हैप्पी. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. फिर तो तुम्हें मुझे हमेशा खुश रखना पड़ेगा. हाँ मैं रखूँगा, मैं आपको खुश रखने के लिए सब कुछ करूँगा. सब कुछ माँ का सब. देखते हैं, तुम बस कह ही रहे हो, मैं कुछ कर भी सकती हूँ. आप मुझे एक बार ट्राई करके तो देखिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा. प्रूव इट, मेक मी हैप्पी, मेक मी लव. कुछ ऐसा करो कि ये पल मैं कभी ना भूल पाऊँ. बस तो मेरा दाहिने हाथ का खेल है.
मेरा एक दोस्त था, वैसे करता था, चिकन वाला था भाई, तुमको मालूम नहीं है इधर ऐसा आता है, ऐसा करता है, इधर कोई तो करता है। मैंने भाई तू पहले जुबान खोल के तो बोल ले, गुटका खा, गुटका निकाला उसने। मेरे दे अच्छा इधर आ। तुम्हें काम करो, यही रुको, मैं फर्स्ट एड लेके आती हूँ। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बाहर रुको। चलो अब हॉल में चलते हैं। स्टॉप इट अनिल, ये क्या कर रहे हो? अनिल मुझे गुस्सा आ रहा है अब। अनिल, अनिल तुम ये क्या कर रहे हो? अनिल अगर ये कोई प्रैंक है ना तो प्लीज स्टॉप इट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अनिल गेट अप, अनिल गेट अप, उठो और जाओ यहां से। अनिल, अनिल प्लीज उठ जाओ, अनिल उठो यहां से, अनिल प्लीज। I love you. What? I love you. अनिल तुम पागल हो गए हो क्या? I love you. अनिल प्लीज स्टॉप दिस। I love you. I love you. Shut up अनिल। I love you शिवानी। Shut up. अनिल प्लीज स्टॉप इट। अनिल मुझे बहुत डर लग रहा है अनिल प्लीज। आई लव यू, आई लव यू। अनिल प्लीज स्टॉप इट। आई लव यू अनिल, अनिल अनिल प्लीज स्टॉप इट। अनिल, अनिल प्लीज। आई लव यू शिवानी, आई नीड यू। मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। नो अनिल, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलत फहमी है। अनिल प्लीज, अनिल मुझे बहुत दर्द हो रहा है अनिल।